तो गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू जॉइन अस फॉर दिस एक्साइटिंग वेबिनार एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज वी हैव विद अस मिस्टर करण महाले। इनका करियर सफर बहुत ही प्रेरणादायक है। ही इज अ डायनेमिक प्रोफेशनल विद अ रिमार्केबल करियर जर्नी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, आपने प्रॉप डेस्क भी को फाउंड करी है, आपने एक कंपनी लॉन्च की थी जीएसटी ई फाइल के नाम से, विच हेल्प्स इन इनोवेटिव प्लेटफॉर्म ऑफरिंग सीमलेस ऑनलाइन जीएसटी सॉल्यूशंस। देन अब उनका जो लेटेस्ट वेंचर है दैट इज कॉल्ड फिनोलेस। इट्स एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म दैट हेल्प क्लाइंट्स नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड्स, और आप हर तरह की उसमें सलाह देते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मोमेंटम। सो गेट रेडी टू बी इंस्पायर्ड। करण, वेलकम ऑन बोर्ड। I'm really thank you for a wonderful introduction. या सो आई गेव अ वेरी Exactly. स्मॉल कैप्सूल ऑफ व्हाट यू आर ऑल अबाउट। इट विल बी हेल्पफुल इफ यू कैन जस्ट गिव अ ब्रीफ जर्नी अबाउट योर सेल्फ। एंड बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल ऑल अवर व्यूअर्स दैट दिस वेबिनार इज इन टू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज करंस जर्नी एंड हिज मूवमेंट फ्रॉम फंडामेंटल टू टेक्निकल एंड उनका सेटअप। देन बेस्ड ऑन वेरी पॉपुलर डिमांड फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रॉप डेस्क, बिकॉज करण इज अ को फाउंडर ऑफ अ प्रॉप डेस्क, ही विल टॉक अबाउट वॉट प्रॉप डेस्क इज। एंड द लास्ट इज द सेबी आर ए। सो वी विल टेक दीज थिंग्स इन अबाउट 1 आवर 15 मिनट्स एंड वी विल लीव द लास्ट 15 मिनट्स फॉर Q&A। करण, लेट्स डाइव इन, ओवर टू यू प्लीज। Yes, thanks a lot. Thanks a lot. And in fact, I'm very kind enough and I'm lucky that you people have taken out your time on a weekend just to. Yeah. I know traders don't hate these weekends. It's really Yeah. nice to see you all over here. थैंक यू करण। सो आप अपने करियर के बारे में थोड़ा हमको सबको बताइए प्लीज। So, after my graduation, I completed my chartered accountancy course in 2009. Post that, I started my core CA practice, I'll say. I was into my CA practice only since then. I was in touch with markets. Obviously, few of the friends were investing, trading. During the Lehman Brothers crisis, I would say I was a student of this course and I was into my CA finals. I could not actively trade into the market, but I was just looking at the things, what were happening around. Post that, becoming CA, and then you were into this field of finance and used to hear things about everything. And I started my journey with mutual fund investment. So that's what a shorter thing about me. Then I have done a lot of other things in my life. Eventually, I've landed here. Absolutely. So it's the deep understanding of the markets through your work in chartered accountancy and then your fundamental, then your insights into financial fundamentals. Right, So, right, right. Karan, we were very keen to understand about your starting point. So, what made you got interested in the trading and what motivated you to pursue a career in this field despite being a very successful chartered accountant? Okay, sure. I think so. Many of the crowds are Hindi is comfortable मिक्स इज for गुड। speaking. हाँ, Maybe, मिक्स में हम yeah. बात कर लेंगे। Okay, so I'll just share what happened with me. So, like every investor और ट्रेडर, आई वुड से एक बिगिनर्स लोग होता है, सबको मार्केट बुलाता है, मार्केट में आ जाओ, दिस इज अ फील्ड वेर यू ऑल कैन कम एंड अर्न मनी अलॉट। माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन, राइट? आई थिंक व्हाट फीडबैक आई एम गेटिंग इज माइन इज लो एंड योर्स इज फाइन। अच्छा, एंड इट्स टू लाउड, प्लीज ऑल्सो थोड़ा हम हिंदी कैन में ज्यादा टेक करेंगे माइक अ बिकॉज लिटिल। या या कमेंट्स में थोड़ा हिंदी के लिए फीडबैक आ रहा है। हाँ, हिंदी का मैंने भी वही देखा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है फाइन फाइन सॉरी फाइन, वी हैव इट इंग्लिश, या ओके, ओके इन इंग्लिश ओके में। तो ओके आई स्टार्टेड माय जर्नी बाय इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक्स। बीइंग अ सीए, आई हैड गुड कनेक्ट्स, गुड अदर कलीग्स हु वर वर्किंग इन बिग फोर्स, सब बड़े कंपनीज में काम कर रहे थे। किसी के प्रमोटर्स के साथ पहचान है, कोई ऑडिटर है, किसी के कोई और फ्रेंड्स काम कर रहे हैं। सो वी हैड अ वेरी गुड सर्कल। सो ये अपन बोलते हैं ना, फ्रेंड सर्कल में वो एक एडवाइजरी अपने आप आ जाती है। या एंड दिस फ्रेंड्स यूज टू सजेस्ट अस, अरे ये बाय कर ले, वो बाय कर ले। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। इन ओके 2016 आई रिमेम्बर वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी अ स्टॉक। वी बॉट दैट स्टॉक अराउंड इन 500, 550 प्राइस। एंड इमीडिएटली इन नेक्स्ट क्वार्टर आफ्टर द रिजल्ट केम वेरी गुड,
हम लोगों ने उसको 900 950 में बेचा, वाह वेरी गुड प्रॉफिट्स। सो यू आर लाइक यार बहुत सही सलाह मिली है लाइफ में, एंड दिस इज फाइन दैट आई शुड इन्वेस्ट लाइक दिस ओनली। सलाह लेते रहो और इन्वेस्ट करते रहो। 2017 दिस ईयर केम, आई वॉज जस्ट डूइंग स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट, छोटा मोटा स्विंग ट्रेडिंग करता था बट विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स। बट वापस 17 में सेम कॉल आया, अरे भाई वही कंपनी वापस 600 रुपये पे आ गई है, पिछले साल जैसा क्या करते हैं वापस बाय करते हैं, ये वापस 900, 1000, 1500, 2000 हो जाएगी। यू नो वी टेंड टू हियर रोजी पिक्चर की ऐसा हो जाएगा मार्केट में, घबराना नहीं है ये तो वापस आता ही है नीचे। तो हम लोगों ने 600 रुपये बाय किया, नेक्स्ट डे वो स्टॉक को लोअर सर्किट लग गया 20%। एंड आई वाज सो कीन, अरे यार क्या हो गया, पिछले बार तो बहुत अच्छा भाग रहा था आज लोअर सर्किट क्यों? नहीं नहीं कुछ नहीं होता है मार्केट में, चलता है, कुछ छोटा मोटा कोई रूमर रहेगा शायद, पर और बाय करो। तो वी वर लाइक कि ठीक है और बाइंग करते। सो आई बॉट एट 400 अगेन, इवेंचुअली आई वाज केप्ट ऑन बाइंग बिकॉज देयर वाज नो लॉजिक बिहाइंड दैट बाइंग, इट वाज जस्ट अ सजेशन फ्रॉम अ फ्रेंड एंड वी ट्रस्टेड द ट्रेंड। यू नो कि नहीं यार पिछले साल अपन ने पैसे कमाए थे सो वी आर लाइक कि ये साल भी कमा लेंगे, सो दिस टाइम वी आर ऑल इन। लाइक ऐसा हो गया ना, पिछले साल तो अपॉर्चुनिटी मिस कर गया लाइफ में, इसमें ही फोमो पैसा हो फोमो जाता है जो लोगों को, राइट आ गया था, फोमो। तो वो राइट फोमो में मैंने तो फिर 400 पे बाय किया, 300 पे बाय किया, 200, विल बी सरप्राइज इन 2019 आई केप्ट ऑन बाइंग दैट शेयर, माय लास्ट बाइंग हैज बीन ऑन 23। ओ गॉड, सो बेसिकली यू स्टार्ट बाइंग इट एट 600 एंड देन कैप एवरेजिंग इट केप्ट ऑन डाउन टू एवरेजिंग इट लाइक अ नॉर्मल ट्रेडर, दिस राइट हैपेंस विद एवरीवन, पीपल आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आई फील, दे राइट ट्रेड फॉर द नेक्स्ट 15 और 20 मिनट्स, इफ दे गेट दैट 5-10 रुपीज दे आर आउट ऑफ द ट्रेड, राइट बट दे बिकम अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर बिकॉज द प्राइस डज नॉट गो इन देयर फेवर, दैट इज हाउ वी बिकम अ झुंझुन वाला। विद झुंझुना वैसे ही होता है। तो राइट हम लोगों ने बाय किया, फिर मैंने समझा यार नहीं यार ये फंडामेंटल्स भी अपन ने देखे नहीं, मतलब एक मोबाइल फोन लेने जाओ तो मैं खुद ही इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था एक मोबाइल लेने के लिए कि मुझे कैमरा ये चाहिए, मेरे को प्राइवेसी सेटिंग्स ऐसे चाहिए, मुझे तो प्रोसेसर भी ऐसा चाहिए क्योंकि मैं गेम्स भी खेलने वाला हूँ, और फिर एक स्टॉक ले रहा हूँ और मैं कुछ ही नहीं देख रहा हूँ, ना मैं फंडामेंटल देख रहा हूँ ना टेक्निकल, तो पता ही नहीं है, पर फंडामेंटल्स तो देखने चाहिए थे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फंडामेंटल देखे तो वो कंपनी कहीं पे फिट ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने सुना फंडामेंटल तो 3 महीने बाद अपडेट हो रहे हैं, आपको पीएनएल 3 महीने बाद मिलेगा, इन बिटवीन टेक्निकल्स कुछ है जहां पे आप चार्ट ट्रेड करके बता सकते हो प्राइस और वॉल्यूम देख के कि यार भाई ये सेलिंग था, लाइक इंटरेस्टेड। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, मे बी फ्रॉम फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ आई टुक सीरियसली फ्रॉम 2017-18। तो इन अ वे दिस वाज, ये आपका एक पिवटल मोमेंट था कि पिवोटल आपने मोमेंट कहा था। राइट राइट ओके सो लेट्स गो टुवर्ड द टेक्निकल स्टॉक पिकिंग. सो हाउ डिड यू एजुकेट योरसेल्फ अबाउट दिस, एंड आर देयर एनी स्पेसिफिक रिसोर्सेस या मेंटर्स जिन्होंने आपकी हेल्प की इस चीज में स्टार्टिंग में? सो माई इनिशियल मेंटर आई वुड से वॉज अ लोकल पर्सन हु वॉज अ सी एम टी होल्डर, एंड ही टॉट मी द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, लाइक तो बेसिकली जस्ट कैंडल स्टिक्स और ये क्या है। सो सो इज जस्ट फॉर नेम इज अवर हाँ व्यूअर्स, सीएमटी का मतलब एक बार आप बताएंगे कि व्हाट इज अ सीएमटी, वट यू वॉइस सी व्हाट वाज अ सीएमटी आपने बोला एक एम सेकंड. टी मतलब एक सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियन है, दिस इज एन यूएस बेस्ड कोर्स वेर पीपल गेट दैट सर्टिफिकेशन हु ओके आर ओके टेक्निकल एनालिस्ट। ओके तो ऐसे एक सी एम टी पर्सन को मैंने मिला जो लोकली क्लासेस ले रहे थे, आई एम बेस्ड आउट ऑफ नासिक इन महाराष्ट्र, तो ओके मैंने यहाँ पे वो कोर्स किया, देन आई गॉट मोर इंटरेस्टेड बिकॉज मैं रोज जो सीखता था कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न्स, और मेरा वो स्टॉक कहीं पे फिट नहीं था बाइंग में, राइट राइट ओके ओके नाइस. एंड देन सो आई एक्सप्लोर द अदर थिंग्स, आई वेंट ऑन फॉर ऑल द वेबिनार्स इन इंडिया, ऑल द कॉन्क्लेव्स आई हैव अटेंडेड, एंड देयर आई मेट ऑल द स्टॉलवर्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट, आई वुड से मे बी विश्वेश, शुभादीप नंदी, यू नेम, एंड आई हैव टॉक्ड विद देम, आई हैव लर्न फ्रॉम एवरी वन ऑफ देम। वेरी नाइस. सो ये जो आपने इतना लर्निंग किया उसका सिंथेसिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर लकी टू गेट द सिंथेसिस ऑफ ऑल योर मीटिंग्स एंड ऑल योर लर्निंग्स. सो इफ यू कुड शेयर अ बिट अबाउट व्हाट इज योर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू इवैल्यूएट अ स्टॉक फ्रॉम अ टेक्निकल परस्पेक्टिव, और अगर कोई सेटअप या आपके पास में एग्जाम्पल है, बिकॉज हम लोग इस वेबिनार में क्या हम लोग का एम रहता है कि वी रीच आउट टू पीपल हु आर रियली रियली गुड इन देयर फील्ड एंड वी टेक वन सेटअप
और मैक्सिमम टू सेटअप्स, देन आफ्टर दैट उसके हम दो तीन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। ओके श्योर श्योर श्योर. सो आई टेल, इनिशियली आई स्टार्टेड विद टू ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज इंडिकेटर्स, दैट वाज आरएस एंड एमएसीडी. आई वाज वेरी अट्रैक्टेड टू दैट. करेंटली इफ यू आस्क मी, देन आई हैव टू माई पोर्टफोलियोज. वन इज अ कोर पोर्टफोलियो विच आई बिल्ड ओनली ऑन बेस्ड ऑफ फंडामेंटल्स. देर आई डोंट वॉच टेक्निकल्स एट ऑल, बिकॉज एट दैट पॉइंट आई एम वेरी मच कीन इंटरेस्टेड टू क्रिएट अ काइंड ऑफ पोर्टफोलियो वेर फंडामेंटल द स्टॉक्स आर वेरी गुड. स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी आई बिलीव दैट इज अंडर वैल्यूड एज ऑफ नाउ, एंड द वैल्यूशंस विल इंक्रीज बेस्ड ऑन द अदर पैरामीटर्स ऑफ फंडामेंटल्स. द अदर पोर्टफोलियो आई हैव इज अ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो वेर आई फॉलो स्विंग सेटअप, बिकॉज आई एम नॉट अ काइंड ऑफ ट्रेडर हु लाइक्स टू स्कैल्प अ लॉट इन द मार्केट. Obviously, I do a small bit of scalping for my prop desk, but my major setup is a swing setup where I have these two indicators which I use and the same indicators I had talked in my money control interview also, and I will be sharing that setup with you guys today. Yo, yeah, voice does not come. No, Keep sir. being. So can you hear me now? Yeah, I had put on myself on mute actually. So is it audible? थोड़ा कम है बेबी वॉइस. Yeah, if you could share your setup now. या ओके Okay. या आर यू ऑल एबल टू सी माय स्क्रीन नाउ? Yeah, we can see. यस ओके फाइन 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 फाइन. So this is my go-to setup as of now. So here I use a split screen where the left-hand side of the screen is a one-day time frame, and in that one-day time frame, I have only one indicator, which is the MAMA. MAMA is MESA Adaptive Moving Average. Okay. So that's what I'm using. So nothing, maybe a kind of simple the way we use moving averages. This is just taking into considerations the other factors of market, the volatility. Maybe you can see the ATR, the way the price moves. So it is not just reacting with the closing of the prices, but with in concern with the volatility also. So it does not Okay. chop a lot like a normal moving average. So there are these two lines, like a faster average and a slow average in MAMA also. The faster line and the slower line, wherever the crossover happens, that is a bullish signal. Okay. And if you could just share the settings for Mama so that This is the the basic all. setting. So whatever the indicator has came the same way I've input it, it is high low divided by 2 and 0.5 for the fast line and 0.05 for Okay. this. This is Okay. the default setting I'm using. Okay. So on TradingView, I think so this is freely available. Okay. And this you use on a daily chart. On a daily chart. So Okay. firstly, on the daily chart, I just look like, for example, Bank Nifty chart is open over there, so we can say that as of now the Bank Nifty is in a bullish trend because Okay. lines have crossed positively over here on Okay. 23rd of May, and since then the prices are trading up only. Here we had this kind of jolt, but there was not tradable, I think so. But as of now, if we see today the current market price, the prices are pulling back. So I'm a kind of pullback trader. I like to buy when the risk reward is too much favorable to me. तो Okay. मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे लेवल पे बाइंग करूँ, वहां से स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो, मे बी आई टेक स्टॉप लॉस 2-3 times, बट अगर एक अच्छा ट्रेड मिल जाए मुझे, सो आई ओके विल रियली लाइक टू राइड दैट ट्रेड फॉर द नेक्स्ट अप मूव. सो ये करेक्शंस होते हैं, लाइक वी ऑल नो प्राइस एक्शन के बेसिक पैटर्न है. एक इम्पल्सिव मूव आता है, फिर एक करेक्शन आता है, फिर एक इम्पल्सिव मूव आता है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच दैट इम्पल्सिव मूव. सो फॉर ओके मी, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फोमो नाउ इन मार्केट्स. सो मैं वेट करता हूँ कि ऐसी कौन सी पुल बैक लेवल है जहां पे मैं ऐड करूँ. So on the right hand side, if you now see, this is the 1 hour chart of the same script. So the ओके Bank Nifty का ही ऊपर 1 hour candles plotted है. On that we have this super trend. Default ओके settings 10-3, 10-2. I'm using. So this is the default super trend. And on the down pan, I'm having the default RSI. So RSI I'm using to quantify is the pullback. Done in the market or is there kind of pullback? So I want to quantify the pullback. So जैसे हम लोग आरएसआई में बोलते हैं कि
30 लेवल्स आर ओवरसोल्ड एंड 70 लेवल्स ओवर बॉट. सो मुझे ये देखना है कि 40, 50 या 30 ये जो लेवल्स आ रहे नीचे वाले आफ्टर स्ट्रॉन्ग अप मूव ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, कैन आई नाउ टाइम टू स्टॉप ओवर हियर इन दिस लेवल. तो जैसे अगर हम लोग बैंक निफ्टी में ही देखे करंटली, विल जस्ट शो यू व्हाट इज हैपनिंग. सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेटअप व्हिच इज डेवलपिंग हियर नाउ. ओके, सो दिस वाज द स्विंग लो here at 51,200. Now this is a swing low. If we are presuming this is a swing low now, okay. So let's see. This is a higher low on the price. But what is happening in the RSI? The RSI has already created a lower low. Okay. So this is a hidden divergence. So we all know that there is a concept of hidden divergence also. But trade this hidden divergences. RSI had made a low. The price is not making any low. So there is a strength in this price. So maybe the strength is only because we know that the banking stocks are doing well. So इसीलिए price शायद low नहीं बना रहा है. So this is a point. Now I feel that somewhere in between a day or two, we can get a good trade from here on the long side. Because on the daily time frame, the stock is positive. On the hourly, it is pulling back. RSI from 70, 80 levels on the hourly have pulled up to 44 and has created a divergence. तो जस्ट टू समराइज, आप पहले तो डेली चार्ट के ऊपर मामा वाला डिफॉल्ट सेटिंग्स में लेते हो, वेयर द ब्लू इज द फास्ट मूविंग एंड रेड इज द स्लो मूविंग, राइट? एंड व्हेन फास्ट मूविंग इज अबव द स्लो मूविंग, दैट इज अ बुलिश सेटअप. एंड जो छोटा टाइम फ्रेम है उसमें आप आवरली चार्ट के ऊपर सुपर ट्रेंड 10-2 पे 10-2 पे लेते हैं, एंड RSI का 14 पीरियड्स एंड 14-2 का सेटिंग पे रखा हुआ, राइट? ओके, राइट. और आप कह रहे हो यहाँ पे RSI हैज कूल्ड ऑफ मच मोर देन द प्राइस, सो देयर इज अ हिडन डाइवर्जेंस व्हिच इज शोइंग इट्स स्ट्रेंथ. या व्हिच इज शोइंग इट्स स्ट्रेंथ. सो नाउ वी लुक एट हियर, वी कैन टाइम. सो व्हाट आई देन डू फॉर माय एंट्री, देन आई अगेन गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, बिकॉज़ आरली पे मुझे तो डेली का पुलबैक मिल चुका है. नाउ आई वांट अ नेक्स्ट टाइम फ्रेम जहां पे बेसिक प्राइस एक्शन मुझे इंडिकेट करे दैट द पुल बैक इज गेटिंग कम्प्लीटेड. हम लोग कैसे बोलेंगे कि यहाँ से प्राइस अभी यू टर्न मारने वाला है? आर्ली पे यू टर्न मारेगा तो वापस बहुत बड़ा एक कैंडल बना देगा. अगर बड़ा कैंडल फॉर्म हो रहा है तो दैट मीन्स द स्टॉप लॉस इज अगेन गेटिंग अ वे लॉन्गर फ्रॉम द एंट्री. तो मुझे तो वापस ऐसा ही चाहिए कि जहां पे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड हो, मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो और रिवॉर्ड ज्यादा हो. सो आई बिलीव RS to 1.3 तो भी होना चाहिए RR मेरा. अगर मैं रिस्क 1 पॉइंट का ले रहा हूँ तो मुझे 3 पॉइंट रिवार्ड होना चाहिए. ओके, sounds good. When I observe this, then I go down to the smaller time frame, which is 15 minutes for my execution. Okay. And on the 15 minute, then I see if there is a positive structure formation. Abhi agar hum log dekhe, so there is a negative structure. This on 15 minute time frame, it is still creating some lower lows. Right. Like we know, जैसे हम लोग बाकी के चीजों में price action structures को follow करते हैं, market structure को follow करते हैं. तो मुझे 15 मिनट पे पहले एक हायर हाई फॉर्मेशन चाहिए. देन ऑन द नेक्स्ट पुल बैक आई विल गेट एन एंट्री. सो जैसे अभी मंडे को मार्केट खुलेगा एंड दिस विल ओपन आफ्टर यू नो 2 डेज ऑफ ब्रेक, सो हाउ मच टाइम विल यू वेट फॉर सी आई नो आफ्टर द ओपन? एग्जैक्टली. सो आफ्टर द ओपन आई एम नॉट इन हरी टू बाय इमीडिएटली. ओके, सो ऑब्वियसली आई हैव maybe two kind of entries which I'll take. First is whenever it forms a kind of higher high for me, okay. On a 15 okay. minute time frame, that is one point of entry for me with this swing low as a stop loss. The next time if it comes down again, if there is any kind of block over here ki jahan pe main wapas add kar sakta hu, like a bullish matlab main price action ko follow karta hu. जैसे अपन रैली बेस और रैली फॉर्म होता है मार्केट में, तो यहाँ पे एक बेस कैंडल फॉर्मेशन रहता है, तो इसको वापस मैं बुलिश करके मान लूंगा. अगर प्राइस पुल होती है, मे बी हम लोग रीटेस्ट जिसको बोलते हैं, अगर रीटेस्ट हो रहा है तो आई विल अगेन री एंटर विद दी अनदर 30% ऑफ माई पोजिशन साइज एंड देन आई विल राइड दिस ट्रेड. द लास्ट 30% आई विल एड ऑन द आर्ली बेसिस ओनली. दिस इज जस्ट 60% ऑफ माई टोटल पोजिशन साइजिंग. आई विल गो इन टू दिस ट्रेड. Okay. And hourly frame mein when it makes a higher high, tab aap I'll aur add karo. Balance 30% I'll position size. So, mere favor mein aa raha hai stock.
तो मुझे दो इंटरव्यू ऑलरेडी मिली है, देन आई एम राइडिंग दैट इन द ओके 15 मिनट्स एंड देन आई विल अगेन इंक्रीज माई बेट बिकॉज वो मेरे फेवर में आ ही रहा है. सो जब ये रीटेस्ट करता है तो उसमें वॉल्यूम के ऊपर आप कुछ ध्यान देते हो क्या कि एट व्हाट वॉल्यूम इट इज कमिंग डाउन, हायर वॉल्यूम, तो लोअर वॉल्यूम? प्रोबेबली आई डोंट लुक एट दैट बिकॉज द स्ट्रक्चर इज रियली गुड. सो मे बी इवन इफ आई एम गेटिंग अ स्मॉल स्टॉप लॉस दैट एंट्री आई विल डेफिनेटली गेट इन. ओके लुक्स गुड, प्लीज कंटिन्यू. या सो दिस इज व्हाट आई लुक एंड आई जस्ट शेयर व्हाट द हाउ. सो आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी काइंड ऑफ स्क्रीनर फॉर दिस. मुझे स्क्रीनर पसंद नहीं है. सो दिस इज अ निफ्टी 50 वॉच लिस्ट फॉर मी. सो दिस वर्क्स रियली गुड फॉर मी ऑन एफएनओ स्टॉक्स. सो मुझे जब ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है एफएनओ में या फ्यूचर्स में बाइंग करना है तो आई लुक फॉर दिस काइंड ऑफ सेटअप एंड देन आई जस्ट गो रैंडमली एंड आई सी वेर इज द लो विच इज हैपनिंग इन आरएसआई. फॉर मी आरएसआई इज वन पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन कॉन्टैक्ट फॉर मी. सो जस्ट आई गो थ्रू ऑल द चार्ट्स एवरी डे एंड आई कैन जस्ट स्विच व्हाट्स हैपनिंग. सो लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चरेशन पेंट्स में द क्रॉस ओवर माइट हैपन ऑन द अपसाइड बट इट इज स्टिल इन द बेरिश टेरिटरी. सो बेरिश टेरिटरी आई नीड अ हायर हाई ऑन आरएसआई व्हिच इज नॉट येट फॉर्मिंग. अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एक टॉप है, ये टॉप का आरएसआई 75 था. तो यहाँ पे ऑन दिस पुल बैक वी आर नॉट मेकिंग अ न्यू हाई. सो दिस इज नॉट अ एंट्री फॉर मी नाउ बिकॉज मामा फार्मा इज शोइंग अ बेरिशनेस. कैंडल्स वाले बुलिश फॉर्म हो रही है. They both are on the downside. Axis Bank, we can get an entry maybe in 2-3 days because the structure is really looking good on the 1 day time frame. Mama Pharma is strong, price is strong. Price has now started cooling off like Bank Nifty. So obviously there will be some banking stocks because Bank Nifty खुद वो structure form कर रहा है. So we can get good entries in stocks. जैसे अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक price ने low बना दिया है. RSI is making a new low. Similar. सो करण एक क्वेश्चन आया है विच इज रेलेवेंट कि आपने लेफ्ट साइड में तो मामा लिया हुआ है एंड आपने जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का है उसमें यू आर कीपिंग सुपर ट्रेंड, सो सुपर एनी ट्रेंड. स्पेसिफिक रीजन फॉर सो यूजिंग सुपर सुपर ट्रेंड ट्रेंड? थी. आई एम नॉट लाइक सी यहां पे मैं आपको बताता हूँ द सेम थिंग मस्ट. फॉर एग्जाम्पल सी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंस. अगर मैं पुल बैक पे कहीं पे 15 मिनट्स पे एंट्री ले रहा हूँ तो मैं सुपर ट्रेंड को यूज फिलहाल नहीं कर रहा हूँ. मैं टाइम कर रहा हूँ एक छोटा रिस्क रिवॉर्ड सेटअप के लिए. वंस ऑफ द आर्ली दिस स्टार्ट गोइंग अप. सो आप देखोगे ना तो हायर हाई आर्ली का यहीं पे फॉर्म हुआ जहां पे सुपर ट्रेंड भी एंट्री दे रहा था. जैसे मैंने आपको बताया था 15 मिनट पे तो मैंने यहाँ पे कहीं पे पुल बैक पे ऐड कर लिया बिकॉज मे बी ये लोअर लो था ऐसा प्रिज्यूम करते हैं. और जब तो दिस वाज आरएसआई द श्योर या सॉरी सो अगर ये मुझे वापस एंट्री देता और ये मेरे पोजिशन में जाता है ना देन आई यूज दिस सुपर ट्रेंड फॉर माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पोस्ट बाय. अभी यहाँ पे समझो एक हायर हाई क्रिएट होगा कल को सुपर ट्रेंड भी बाय सिग्नल दे देगा. आई फील सुपर ट्रेंड इज लिटिल लेट टू बाय बट अ वेरी गुड टू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस. अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली थी तो सुपर ट्रेंड हैज गिवन मी अ राइट टिल हियर. सो सुपर ट्रेंड ट्रेंड आई एम यूजिंग फॉर राइडिंग द ट्रेड ऑन द आर्ली टाइम फ्रेम. कैन वी टेक वन स्टॉक इन डेप्थ, मतलब उसका पूरा हम लोग सर्जरी टाइप का जो होता है ना डाइसेक्शन कर लेते हैं कि शुरुआत आपने कहाँ से किया एंड देन So I जैसे पीए share a किया. setup in SBI. I'll show you. And this trade in SBI, which had a very good setup. So this was the same setup I've shared in my money control article also. और ये ट्रेड मैंने लिया हुआ था SBI में. सो लुक व्हाट हैपेंड हियर. जैसे हम लोग अभी बैंक निफ्टी में बात कर रहे थे सिमिलरली एसबी ऑन दिस डे ऑन 29th of February इट वाज पुलिंग बैक नीचे आ रहा था ऑन डेली टाइम फ्रेम. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप सब लोग देख सकते हो मामा फार्मा बहुत पॉजिटिव है ट्रेंडिंग अप स्ट्रॉन्गली. देयर इज अ पुल बैक टुवर्ड्स द मूविंग एवरेजेस. अभी मुझे टाइम करना है एंट्री ऑन आर्ली टाइम फ्रेम. तो ये जब पुल बैक कंप्लीट हो रहा था तो मैं बस देख रहा था यहाँ पे कि आरएसआई में डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है कि हिडन वाला. मुझे आरएसआई में लोअर लो चाहिए. जैसे यहाँ पे एसबीआई का लो था 703 समथिंग. इट स्टार्टेड पुलिंग बैक हियर ऑन डेली टाइम फ्रेम व्हिच वाज द आरली लो ऑफ 740 समथिंग.
हियर इफ यू लुक, आरएसआई में एक हिडन डाइवर्जेंस था. आरएसआई देखो 30 लेवल तक आ गया ऑन आर्ली टाइम थ्री. राइट सो दिस वाज द टाइम हियर ऑन आर्ली, इट गेव एन एंट्री हियर हायर हाई ऑन 750. बट इफ वी गो ऑन 15 मिनट ऑन 29th फेब, फिफ्टीन मिनट का शायद चार्ट अवेलेबल हो जाना चाहिए. हाँ या तो दिस वाज द आर्ली जहां पे इसने कंप्लीट किया था. इफ यू स्टार्ट मार्किंग द हायर हाइज, यहां पे प्राइस मेड अ न्यू लो. पोज दिस, राइट बट पोज दिस लो, व्हाट इज हैपनिंग? लुक, इमीडिएटली देयर इज अ रिवर्सल, अगेन अ पुल बैक. नाउ हियर वी आर नॉट मेकिंग अ न्यू लो. व्हेन वी हैव ओके ब्रीज दिस, आई एम गेटिंग एन एंट्री हियर मे बी, बिकॉज दिस वॉज द हाई विच इज रिलेवेंट फॉर मी. हम लोग ओके लोअर लो कब बोलते हैं? ये जब न्यू लो मारा तो उसके पहले का जो भी हाई था वो मेरे लिए हाई बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके सो आई विल वेट, बट अगर ये हाई निकल रहा है तो मैं आर्ली पे भी जाके चेक करता हूँ कि ये हाई कब इंपॉर्टेंट है. तो आर्ली पे भी यही हाई मिला, हम लोगों ने देखा था 750. राइट बट राइट राइट 15 मिनट पे अगर आप देखो तो 15 मिनट पे क्या हुआ? एक पुल बैक आया और अगेन ब्रेकआउट हो गया यहीं पे एक छोटा सा. ओके जूम आउट, सी व्हाट हैपेंड. अ बेरिश बार, अ बुल बार, अ पुल बैक अगेन ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम. बट ये पुल बैक के बाद दिस इज नॉट स्टेइंग बिलो, अगेन अ बाइंग इज कमिंग. सो दिस इज अ काइंड ऑफ फर्स्ट एंट्री फॉर मी जहां पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जा रहा है. ये 742 का एंट्री है, द विक इज 737, अ 5 पॉइंट स्टॉप लॉस फॉर मी, अ स्मॉल रिस्क ऑफ 30%. आई नो कि मुझे यहाँ पे पोजिशन साइजिंग बढ़ाना है क्योंकि आवरली पे भी यही हाई आ रहा था पुल बैक वाला. 15 मिनट पे तो ये स्मॉलर स्ट्रक्चर अपन बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर चेंज हुआ यहाँ पे सिर्फ, पर हायर स्ट्रक्चर चेंज कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे जहां पे ये बेयर बार का हाई ब्रेक हो रहा है, और सुपर ट्रेंड भी उधर ही चेंज हो रहा है एक और तरीके सुपर से। ट्रेंड 15 मिनट पे चेंज हो रहा था तभी. राइट 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 और फिर मैं एक बार एंट्री लेने के बाद आई गो टू द हायर टाइम फ्रेम एंड देन आई जस्ट सिट क्वाइट बिकॉज मुझे अच्छा एंट्री मिल गया है प्रोबेबली. हाँ यहाँ पे होगा राइट हाँ वो डिलीट हो गया, सॉरी. ओके 20 तो फेब, नाइनटीन मार्च ये लो था 28 फेब, यहाँ पे ये वाला हम लोग देख रहे थे सेटअप. करेक्ट। या फेब्रुअरी एंड का था करेक्ट 750 28 राइट का, और फिर यहाँ पे या 750 पे वापस ये चेंज हो गया फॉर मी. राइट राइट सो आई हैड गॉट वेरी गुड रैली, यहाँ पे 790 तक का हाई लगा, वेर इनिशियल एंट्री वाज 745, देन आई पिरामिडेड अगेन एट 750. फिर ओके सुपर ट्रेन ने भी सिग्नल दे दिया था एंड आई कुड राइड दिस, बट दिस नेक्स्ट अप मूव. ओके और यहाँ पे फिर मैं लोअर लो नहीं देख रहा हूँ, फिर आई एम जस्ट गोइंग विद द सुपर ट्रेन. सुपर ट्रेन में मुझे यहाँ पे क्लोजिंग मिला, आई कुड गेट एन एग्जिट एट 774 जहां पे ये कैंडल क्लोज हुआ. ओके एंड वेन एवर दिस काइंड ऑफ सेटअप, नाउ वी हैव अ वेरी गुड टाइम, विल जस्ट सी सम अदर स्टॉक्स ऑल्सो. ये जब 29th फेब या लास्ट वीक ऑफ अ मंथ में अगर आपको सेटअप मिलता है ना, यू कैन श्योरली यूज दिस सेटअप इन ऑप्शन बिकॉज नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन में नाउ यू हैव 30 डेज. सो नेवर बाय ऑप्शन वेन दिस सेटअप कम्स पोस्ट द फर्स्ट 2 वीक्स, क्योंकि फिर वहां पे डीके बहुत फास्ट चालू हो जाएगा. लाइक लास्ट 14 डेज में तो डीके बहुत ज्यादा होता है, थीटा बहुत फास्ट होता है. तो अगर आपको मंथ एंड पे कोई सेटअप मिल रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन चेन में जाओ, एक छोटा सा ओटीएम 10-15 पॉइंट्स, आपको जो लास्ट स्विंग हाई वहां का भी आप ऑप्शन ले लेते हो तो भी कोई इशू नहीं आता है. ऑब्वियसली रिवॉर्ड विल बी लिटिल लेटर बट रिस्क मिनिमाइज हो जाता है बिकॉज हम लोग ऑप्शन बाइंग में जाते तो रिस्क उतना नहीं रहेगा. और मंथ एंड के पास स्टॉक ऑप्शंस लेने में ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर आईटीएम हो जाता है तो आपका फिर मार्जिन ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो मार्जिन जाता है ब्लॉकेज जो बढ़ जाता है,
पर अगर आप देखो राइट 29 को मिल रहा है, मतलब हम लोग मार्च ऑप्शन चेन में जा सकते हैं यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। सो एक क्वेश्चन ये चल रहा है, दो तीन लोगों ने पूछा है करण, कि आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में ही मामा क्यों लेते हो, शॉर्टर टाइम फ्रेम में मामा क्यों नहीं लेते हो आप उसको? तो मूविंग एवरेजेस, जैसे हम लोगों ने बात की ना, मूविंग एवरेजेस कोई भी हो, वो मामा हो या नॉर्मल मूविंग एवरेजेस हो, स्मॉलर ओके टाइम अच्छा, फ्रेम में भी वो चॉप करना शुरू कर देंगे। लॉन्गर शॉर्टिंग टाइम ज्यादा फ्रेम उसमें। में मूविंग एवरेजेस हम लोगों को वो कंडीशन, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी प्राइस एक्शन काम आ जाएगा, बट यू गेट अ वेरी गुड इनसाइट इमीडिएटली। तो एक मूविंग ओके एवरेज फटाफट बता देता है कि 200 दिन के ऊपर है या 50 डेज के ऊपर है। तो बस मैं रैंडम मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ कि प्राइजेस अप ट्रेंड में है ये जानने के लिए। बट मैं पुल ओके बैक के लिए जो मेरा गो टू इंडिकेटर था, जैसे मैंने बोला कि आरएसआई मैं बहुत वाइड यूज कर रहा हूँ, तो आरएसएस में मैं पुल बैक आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। सो आपका जो लॉन्ग टर्म मूविंग इंडिकेटर है वो इट्स मोर लाइक अ कंपास टू गेट अ जनरल डायरेक्शन, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप जीपीएस की तरह इसको सुपर ट्रेंड और आरएसआई की तरह यूज कर रहे हो, ट्रू पिन ट्रू। पॉइंटिंग 1 आवर एंड 15 मिनट्स की। ओके अभी ठीक देखो है। यही स्टॉक को वापस हम लोग देखते हैं, वापस इसने पुल बैक शुरू किया। नाउ व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ पुल बैक ना, यहाँ पे आप देखो तो आरएसआई एक लो बना शुरू कर दिया और स्टॉक भी लो बना रहा था। सो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी डोंट वांट, मतलब दिस इज नॉट द ओके राइट एंट्री फॉर अस। यहाँ पे ओके प्राइस ने भी लो मारा और आरएसआई ने भी लो मारा था। तो वट ओके एवर वी गेट एट द फर्स्ट इंस्टेंस इज अ वेरी गुड ट्रेड। जैसे हम लोग सपोर्ट की भी बात करते हैं कि अगर प्राइस पहली बार सपोर्ट पे आ रहा है, पहली बार 20 डे पे आ रहा है, तो वो फ्रेशनेस का एक इंपॉर्टेंस है। या आप नेक्स्ट टाइम पे वो फ्रेश नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई सप्लाई डिमांड जोन भी है, तो वो अगर फ्रेश है तो उसका एक इंपॉर्टेंस है। कहते हैं ना कि दीज जोन्स आर लाइक अ परमेबल मेम्ब्रेन, अगर ज्यादा बार उसके ऊपर चोट लगेगी तो टूट जाएगा उसके टूट बाद में फिर। जाएगा। तो सेम थिंग है, आपने अगर जैसे अभी हम लोग देखे, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखे, तो करेंटली सेटअप बन रहा है। आई वाज जस्ट लुकिंग एट एक्सेस यस्टरडे ओनली, सो वी हैव अ वेरी गुड ट्रेड व्हिच कैन कम इन एक्सेस नाउ। यहाँ पे भी एक्सेस में था, एक पुल बैक था, बट यहाँ पे आरएसआई ने लो नहीं बनाया, तो आई कुड नॉट हैव टेकन अ ट्रेड ओवर हियर, बिकॉज ये जो पुल बैक था ना, ये बहुत शार्प था, एंड दिस पुल बैक केम ओनली बिकॉज ऑफ दैट फॉल न्यूज़ राइट न्यूज। राइट सो इसी वजह से आरएसआई ने ऑलरेडी एक लो बनाया था। अगर ये धीरे धीरे आता ना, तो मे भी आरएसआई इतना बड़ा लो नहीं बनाता, उस समय ओके आरएसआई कहीं यहीं रह जाता। एंड ये जो पुल बैक था, यहाँ पे हम लोग को एक न्यू आरएसआई मिल रहा, बट हाँ, राइट वो फियर, या वो फियर यो की वजह से आरएसआई बहुत अचानक से कम हो गया होगा उस टाइम हाँ, में क्योंकि पहला आरएसआई का फॉल जो फॉर्मूला है कि हम लोग एवरेज गेन्स और एवरेज लॉसेस देखते हैं लास्ट 14 कैंडल्स में। का, वो डिवाइड राइट करते हैं। तो राइट यहाँ पे वो लास्ट 14 कैंडल्स में क्या हुई, ये बहुत बड़े बड़े कैंडल्स आए, लॉसेस करेक्ट ज्यादा करेक्ट हुए, तो वो आरएसआई का नंबर भी बहुत कम आ गया। राइट पर यहाँ पे हम लोगों के पास अभी फिलहाल है, आरएसआई पे हिडन हाँ डाइवर्जेंस है, तो वी ओके कैन वेट फॉर अ गुड एंट्री ओवर हियर। अगर और एक लो आता है, पुल बैक आता है, देन वी कैन थिंक अबाउट दिस ट्रेड। और लो बहुत बार है ऑब्जर्व, सी दिस इज द लास्ट सपोर्ट तो ट्वेल्व जैसे आप फिफ्टीन कह नाइन रहे थे करण कि इसका जो स्विंग हाई है 1300 का है, सो नेक्स्ट मंथ का तो अब उसका चेंज शुरू ही हो गया, तो 1300 या 1310 के आसपास का अगर हम उसका कॉल ओटीएम देखेंगे ऑप्शन ले सो। सकते हैं। दोज हु लाइक टू ट्रेड इन ऑप्शंस, आई ऑब्वियसली फील दैट एक फ्यूचर एंट्री या रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, तो एक स्टॉक एंट्री भी बहुत बेटर है। अगर आपके पास फंड्स नहीं है, देन ऑप्ट फॉर एन ऑप्शन एंड लुक फॉर दिस हाई एज अ टारगेट। तो ये जो अपना सेटअप है इज दिस, सो क्योंकि इंडियन मार्केट्स तो 6.5 घंटे की है, कुछ क्वेश्चंस कमोडिटी से रिलेटेड है, बट कमोडिटी का साइकिल जो है वो 23 आवर्स का रहता है इंटरनेशनल ट्वेंटी थ्री मार्केट्स आवर्स में। का सो है, ये सेटअप क्या उधर के लिए भी चलेगा? मुझे लगता है इसमें ना थोड़ा टेस्टिंग करना पड़ेगा। दोस्त हुआ ट्रेडिंग इन टू कमोडिटीज, लाइक अगर मैं 1/3 टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ फॉर अ डे, मतलब इंडियन मार्केट 6 घंटे का, तो वो 1/6 टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, सो यू पीपल कैन गो फॉर द 1/6 टाइम फ्रेम फॉर द फुल डे। लाइक 24 आवर्स का 4 आवर कैंडल ले लीजिए मे बी प्रोबेबली, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पुल बैक, दैट माइट बी अ लिटिल तो बेटर। और फिर उस लॉन्ग, जैसे मैं 1 आवर और 15 मिनट्स पे जा रहा हूँ, यू पीपल कैन गो फॉर 4 आवर्स एंड 1 आवर, तो मामा हमें लॉन्गर में क्या 4 डेज वन या डे वन वन डे वीक? वन डे, मतलब ये वन डे पे ही लो, और ओके बाजू में आपका स्क्रीन 4 आवर्स का बना लो, क्योंकि वो 12 आवर टाइम फ्रेम, 24 आवर टाइम फ्रेम है। सो पीपल शुड डू अ लिटिल बिट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, अपना अलग या अलग टाइम फ्रेम में चेक करना चाहिए। बिल्कुल। ओके
थैंक यू। और आपका एक पहले आपने एक पीएफसी का आई थिंक फिनोलेस में दिया था राइट, में ट्रेड दिया था। तो उस डू यू हैव इसमें है क्या सेटअप वाला, बिकॉज दैट वाज अ रोरिंग चार्ट एक्चुअली आपका, थोड़ा टाइम हो गया उसको दिए हुए। हाँ, सो दिस वाज प्रोबेबली प्रोबेबली हियर ओनली, बट अराउंड मार्च में था ये। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिकॉज आई वॉज इन हाँ नासिक विद यू गाइस दैट टाइम जब आप बात कर रहे हाँ हैं। मार्च वाला वी रेडिड इट फ्रॉम 400 टू दिस फोर दिस लेग 500 या करेक्ट दिस करेक्ट दिस करेक्ट, दिस लेग ओनली। यस 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 यस, सो दिस वाज इन मे हाँ राइट राइट राइट। April, राइट। तो इसका एक फॉर्मेशन था बिकॉज यू हैड बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर अ वाइल फॉर अ वाइल एंड देन सो व्हाट मतलब व्हाट एज अ ग्रुप यू आर इंटरेस्टेड इन, नॉट इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट मेड यू थिंक कि हमें इस स्टॉक को देखना चाहिए व्हेन टू अस देयर वाज नो स्पेसिफिक मूवमेंट इन दिस चार्ट एक्चुअली। या सो व्हाट डू यू डू, देर आर टू थ्री थिंग्स व्हिच आई डू फॉलो। लाइक यहाँ पे तो ये काइंड ऑफ सेटअप भी है, तो आपको जो आप भी सेटअप फॉलो कर रहे हो ना, तो वहां पे ऑब्वियसली ये चार्ट्स मिल जाते हैं। तो ओके I'll just share this longer time frame. So PFC was looking very wonderful and I was just waiting for a pullback. जैसा अपना भी बात हुआ था, I wait for a pullback and then I buy. ओके So this was just forming मतलब अपन normal price action में बात कर रहे हैं ना, तो there was this liquidity grab which happened in PFC. This was not only based on swing trading, because हम लोगों ने इसको hourly पे नहीं identify कर लिया। This was identified on the daily time frame obviously. बट अगर आप ओके यहाँ पे देखो ना, आई रिमेम्बर दिस हैपेंड इन मार्च इन पीएफसी। ये लिक्विडिटी ग्रैब आप कब का बात कर रहे हैं इसमें, मार्च मार्च एंड ये मार्च एंड का जो ड्रॉप है फ्रॉम 440 टू 380 वाला, या ओके यस सो दिस व्हाट हैपेंड इन पीएफसी। तो ओके जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, इन अ वेरी गुड फंडामेंटली गुड कंपनीज एंड गुड स्टॉक्स विच रन वेरी वेल, सो दिस इज व्हाट इज बीन प्लेड टेक्निकल एनालिसिस बोल के विथ रिटेलर्स। वेन एवर देर इज समथिंग विच हैपेंस, पैटर्न फेलियर्स जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब एक बोल ट्रैप एंड बेयर ट्रैप्स की अगर बात करें, तो ओके ये मार्केट प्रोफाइल और इसमें भी बहुत सारा बात होता है इस चीज के ऊपर। यहाँ पे देखो तो ये HNS जैसा फॉर्मेशन चल रहा था यहाँ, या करेक्ट, ये हेड एंड शोल्डर की तरह लग रहा है दिखने में पूरा ये हेड एंड सा। शोल्डर लग रहा था, नेकलाइन हाँ था और ये नेकलाइन ना ब्रेक किया। राइट आइडियली जब भी ब्रेकडाउन आता है, मतलब फॉर मी ब्रेकडाउन हैज टू बी वेरी फास्ट, और आई फील हेड एंड शोल्डर्स ऐसा नहीं काम करता है। अगर आपको चाहिए तो शायद वो ऊपर से सेल ऑफ आ जाए, बट कोई भी फॉल है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। सो वेन एवर देर इज अ पैटर्न फेलियर, उसका 2x मूव आता है, मतलब अगेंस्ट मूव आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ये नेक्स्ट कैंडल को बुलिश किकर कहा जाता है, मतलब आप इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, की ये स्टार फॉर्मेशन है और एक कैंडल है। बट दिस बेयर्स वर टेकन आउट इमीडिएटली। अगर आगे कंटिन्यूशन होना चाहिए था ना, तो फॉर दिस फॉर मी नॉट जस्ट बेस्ड ऑन मामा एंड फार्मा, दिस वॉज अ बुलिश पैटर्न ऑन द स्पेसिफिक स्टॉक, सो आई एक्चुअली वॉज एक वेटिंग दिन फॉर अ का पुल बैक। वन डे कैंडल इट कवर्ड 3 डे का ये मूवमेंट वन एक्चुअली टू एंड ऑलमोस्ट दिस थर्ड डे, राइट तो दिस इज अ बुलिश कीकर। सो स्टॉक्स में आपको है ना बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या हो रहा है, कोई पैटर्न क्लियर तो नहीं है। भले आप शॉर्ट हो, आप निकल जाओ यहां पे, बिकॉज क्या किया उसने, आपका तो हाई छोड़ दो, 2 दिन पहले का भी हाई निकाल दिया। करेक्ट तो आप जो प्राइस एक्शन फॉलोअर है ना, आई टेल हिम टू फॉलो 2 डे कैंडल थियरी। अगर आप 2 डे कैंडल फॉलो करते हो, ये 15 मिनट्स पे भी बहुत अच्छा काम करेगा कहीं पे भी, बिकॉज दिस इज वेरी वाइडली यूज बाय बिग ट्रेडर्स। आप अगर 2 दिन का हाई ब्रेक होता है, 2 दिन का लो ब्रेक होता है, तो देर इज अ बेरिशनेस और बुलिशनेस।
मार्केट। तो फॉर मी ओके दिस वाज अ बुलिश स्ट्रक्चर ना, ये बुलिश फॉर्म हुआ, आई वाज वेटिंग फॉर अ पुल बैक ना। फॉर मी हियर द ओके मामन फार्मा गॉट क्रॉस्ड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू क्रॉस अगेन ऑन द डाउन साइड, बट यहां पे कहीं पे आई वॉज ट्राइंग टू एंटर बिकॉज ये लो मेरे लिए एक फेक लो बन चुका था जहां पे पीपल गॉट ट्रैप्ड एंड मे बी द क्वांटिटी एनी वन वॉन्टेड हैज गॉट दैट लिक्विडिटी के रहा, एंड आई टाइम द एंट्री ओवर हियर समवेयर। प्रोबेबली हम ओके लोगों ने यहाँ पे बाय किया 405 समथिंग 25th ऑफ या एवरी, क्योंकि मई एक्सपायरी वापस चालू हुई एंड हम लोगों ने मई एक्सपायरी का ही कॉल लिया था। वी आर जस्ट लकी इनफ कि ये 3-4 दिन में मूव आया। या स्टुपेंडस एक्चुअली, बहुत जबरदस्त मूव आया था उस टाइम में। थैंक्स। करण, देर हैज बीन सम क्वेश्चंस अराउंड एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, सो कैन बी जस्ट एक बार आप इसको फिर से बता देंगे, सो दैट बिकॉज दिस इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल जहां पे पैटर्न फेलियर भी है एंड देन वी ये आर बहुत लुकिंग एट ज्यादा है। राइट। हाँ हाँ वील गो सो फॉर समथिंग एल्स नाउ, मे बी ओके स्टॉक विच इज, वी विल फाइंड एवरी वन टुगेदर, एक न्यू ओके स्टॉक ढूंढते कि हम लोगों को अभी नेक्स्ट टाइम ट्रेड किस में लेना है। सो दिस इज श्योर ऑन वीकेंड आई डेफिनेटली डू। सो ओके जैसे हम लोगों ने देखा अभी एक्सिस में एक सेटअप था, इज देर एनी न्यू सेटअप इमीडिएटली वी ऑल कैन आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन ओके बस आर एस आई, आई एम जस्ट लुकिंग एट द आर एस आई नाउ, इफ देर इज अ ओके डिप इन द आर एस आई वी वॉन्ट समथिंग विच इज एट डिप एंड देन वी कैन गो अहेड। ओके सो मे बी दिस इज एज ऑफ नाउ लुकिंग गुड, स्टेप बाय स्टेप इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके सो यहाँ पे कैंडल्स आर बिलो मामा एंड फार्मा, बट फॉर मी ओके मामा एंड फार्मा आर स्टिल नॉट बेरिश क्रॉस ओवर्स, दे हैव नॉट क्रॉस्ड ऑन द डाउन साइड, बिकॉज ब्लू फास्ट मूविंग इज स्टिल अभी अबव भी द स्लो ऊपर है। मूविंग। या वो अभी भी ऊपर है स्लो मूविंग से, और ओके आर एस आई में मेरे लिए डाइवर्जेंस बन चुका है, और डाइवर्जेंस के ओके बाद अभी यहाँ पे हायर डाइवर्जेंस इज बिकॉज प्राइस हैज मेड अ हायर लो लो एंड आर एस आई हैज मेड अ लोअर लो मे बी, लोअर ओके एंड सो आर एस आई हैज मेड अ लोअर लो, और अगर ये उल्टा सेटअप होता देन इट वुड बी अ शॉर्टिंग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट ट्रेड फॉर श्योर, फॉर श्योर। राइट जब भी राइट बेरिश ओके मार्केट होगा मामा फामा नीचे चल रहे हैं, हम लोग पुल या बैक पे शॉर्ट्स मारेंगे। ओके तो जैसे अभी यहां पे है, अगर हम लोग देखें तो प्राइस एक बुलिशनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है ऑलरेडी। तो अभी का रीसेंट 15 मिनट भी देख लेते हैं कि हायर हाई फॉर्म हो रहे हैं, तो या डेफिनेटली हायर हाई फॉर्म हो रहा है, पुल बैक चल रहा है, 15 मिनट का सुपर ट्रेंड भी बाय दे रहा है। सो मे बी अ स्विंग लो ऑफ 1467 65 विच इज ऑन 1400 स्टॉक, इफ यू गेट अ 15 पॉइंट सेल, नथिंग लाइक इट, या जस्ट अ वन 1%। परसेंट एंड या करेक्ट करेक्ट इन स्टॉक्स 1% इज नथिंग, आई विल से डेफिनेटली, क्योंकि दिस हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल टू गो ऑन दी अपसाइड। और जब आर्ली पे वापस ये सुपर ट्रेंड क्रॉस हो जाएगा, सो प्रोबेबली वी कैन गेट अ वेरी गुड मूव तो सुपर ट्रेंड क्रॉसओवर मींस व्हेन इट विल टर्न ग्रीन, जब ये ग्रीन हो ग्रीन, जाए राइट। एग्जैक्टली। तो ओके कैंडल्स विल ओके क्रॉस द सुपर ट्रेंड, तो ये पॉजिटिव सुपर ट्रेंड। तो क्या होता है, जैसे आप अलग अलग इंडिकेटर्स लगाते हो, तो मेरा इंटेंशन भी यही कि कोई लोग सुपर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे बाकी लोगों का बाइंग आएगा, कोई लोग डेली पे 20 मूविंग एवरेज फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग भी राइट एड अप हो जाएंगे, तो बुलिशनेस तो बढ़ते ही जाएगा। हम लोगों का बस इंटेंशन ये है कि अगर हम लोग कुछ लोगों से पहले कुछ बाय कर सकते हैं क्या, तो मे बी वो जो स्पर्ट आने वाला है, वी आर जस्ट बिफोर दैट स्पर्ट। तो इसमें आपका आरएसआई डाइवर्जेंस में 14 पीरियड का लुक बैक है राइट। यस 14 पीरियड लुक बैक पीरियड, ओके अजय, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। या एंड दिस इज 14 बोथ फॉर वेदर 1 घंटे में देख रहे हैं या 15 मिनट में देख रहे हैं, सेटिंग्स रिमेन द सेम राइट। सेटिंग्स रिमेन द सेम बाय डिफॉल्ट। ओके एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका सेटअप है इट इज गिविंग सिमिलर मैसेज वेदर इट इज इन आवरली या 15 मिनट, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 15 मिनट में आ गया और 1 घंटे में नहीं आया है। हो सकता है क्योंकि पैटर्न वहां पे फेल हो सकता है, जैसे हम लोग बोले बेरिश मार्केट आ गया, तो मैंने ओके पुलबैक पे ऐड करने की कोशिश की, सिप्लाई की बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे ऐड ओके किया, अभी भी 1 आवर का बाय नहीं आया, तो ओके फिफ्टीन यू आर मिनट्स में तो राइट मैंने भी पोजीशन साइजिंग 30% रखा है। फॉर ओके एग्जाम्पल ओके लेट्स प्रिज्यूम माई रिस्क एपेटाइट टेल्स कि मैं 3 लॉट में ट्रेड कर सकता हूँ, तो ओके अभी तो मैंने एक ही लॉट के साथ एंट्री लेनी है, फिर ओके तो फिर मैं सेकेंड लॉट ओके ऐड करूंगा और एक बार 15 मिनट्स का हायर आया हो, ओके 1 आवर का अगर सुपर ट्रेंड क्रॉस हो जाए, हायर आया जाए, तो मैं और एक लॉट ऐड कर दूं, तो आई एम ओके फुल ओके इन दैट केस। पर अगर लो एक्सेलेंट हिट कर रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया क्योंकि मेरा पोजीशन साइजिंग भी लो था, राइट 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 हाँ 130 है आपका अभी तो। 130 अभी भी।
एक और हम लोग बुलिश देखते हैं, उसके बाद में अगर कोई बेरिश भी मिल जाए तो बहुत अच्छा बेरिश होगा मुझे लगता फिर है मुश्किल है, क्योंकि अगर हम लोग इंडेक्स अभी की बात नहीं। करें तो मुझे और एक चीज ऐड अप करनी है कि अगर किसी को ट्रेडिंग थोड़ा पीसफुली करना है तो ऐसे टाइम पे बेरिश ट्रेड्स नहीं भी ढूंढे तो चलेगा, बिकॉज ओके द ब्रॉडर इंडेक्सेस आर वेरी स्ट्रांग, लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रांग। हाँ ऑब्वियसली अगर आपके पास मीन रिवर्जन कोई अलग ट्रेंड सेटअप है तो आप मीन रिवर्जन ट्रेड लीजिए, फिर मीन रिवर्जन में आपका पोजिशन साइजिंग और कम होना चाहिए, तो वहां पे मैं 3 लॉट में नहीं जाऊंगा कुछ भी हो तो भी, आई ट्रेड ओनली द 1/3 क्वांटिटी। हाँ एटलीस्ट मेरे लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर कुछ बेरिश मिला तो उसका इंडेक्स तो भी बेरिश होना चाहिए। जैसे अभी मुझे अगर ऑटो में मिलता है, लेट सी सम ऑटो स्टॉक्स, प्रोबेबली ऑटो माइट बी लिटिल बेरिश। नहीं हीरो मोटोकॉर्प का भी मामा फार्म आई स्टिल अप, बजाज ऑटो देख लेते, बजाज ऑटो मामा फार्म आई स्टिल अप। सो एज ऑफ नाउ जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी रन अप में है बहुत, तो स्टॉक्स माइट बी डूइंग वेल, इसीलिए फिलहाल ऊपर ही है। सेम ईयर कोटक, आईटी पैक में कैसा चल रहा है अभी? इन्फी एक बार देख लेते हैं, एलटीएम इज सुपर स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। सुपर स्ट्रॉन्ग। इन्फी माइट बी इन बिटवीन। ओ इन्फी इज आल्सो डूइंग गुड इन्फी ऑन एक्चुअली। वन डे लुक एट हियर, तो ये पुल बैक अच्छा था इन्फी के लिए टू ऐड, इफ वी कुड हैव गॉट एनी एंट्री ओवर हियर। ये कब है पुल बैक? 12th जून। Yeah, so see, this is 12th, but RSI has not made a new low, so probably no entry for us here. So in fee we can wait for a pullback. Agar pullback aata hai, RSI makes a new low, then only. But as of now, maybe probably. एक बार मारुति चेक करेंगे। समवन रिस्पॉन्डेड सेइंग कि उसका मामा इज वीक। मारुति का या दिस इज वीक, गुड बट आर गुड एस थैंक्स थैंक्स आई पूरा। बट आर एस आई इज नॉट मेकिंग अ न्यू हाई, तो वी वॉन्ट टू पुल बैक इन मारुति नाउ बिकॉज दिस इज स्ट्रेट अवे कमिंग डाउन, कोई पुल बैक नहीं आ रहा है टुवर्ड्स द मूविंग एवरेजेस एंड वी आर नॉट गेटिंग अ न्यू हाई इन आर एस आई। सो बेसिकली डाइवर्जेंस नहीं है इसमें। डाइवर्जेंस अभी भी नहीं है, तो सो हो अगर सकता है डाइवर्जेंस होगा, इफ वी हैव अ हायर आरएसआई बट अ लोअर प्राइस, दैट तो दिस इज मींस द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फॉर श्योर। अगर हम लोग बात करें कि टॉप पे अगर स्टॉक चॉप करते रहे तो काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बोल सकते हैं, बट इसके लिए वापस एक पुल बैक चाहिए। वंस अ पुल बैक कम्स, क्योंकि क्रॉस ओवर मुझे लगता है अभी आया है 24th जून, सो 5-6 डेज बैक। सो देखो आरएसआई ऑलरेडी 30 है ऑन आरली टाइम फ्रेम, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि फिर यहाँ से और कितना स्ट्रेंथ बचा है फॉर आवरली कैंडल्स टू फॉल मोर, तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं है। अगर आरएसआई ऑन आरली रीचेस 60-70 लेवल्स, सो आरएसआई हैज अ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो टिल 30। तो करण एक क्वेश्चन अच्छा है इसमें। दे आर आस्किंग कि क्या हम इंडेक्सेस को पहले स्क्रीन करें एंड देन विद इन द इंडेक्स वी कैन लुक एट रेलेवेंट स्टॉक्स एब्सोल्युटली विद इन द इंडेक्स, एब्सोल्युटली क्योंकि एब्सोल्युटली दैट हैज टू बी डन तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट एक्चुअली? थोड़ा उस पर बात कर सकते हैं आप क्या? एग्जैक्टली। तो जैसे मैं बता रहा था कि मेरा बुलिश बायस क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि ब्रॉडर इंडेक्स अच्छा काम कर रहा है, लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी इज डूइंग वेल, सो हम लोग रोज कनेक्टेड है मार्केट में, हम लोग रोज पोजिशंस ले ही रहे, सो वी बाय डिफॉल्ट नो कि ये अच्छा चल रहा है, इसीलिए हम लोग बाइंग का ही सोच रहे हैं। तो जब एक बेरिशनेस अपने आप आ जाएगा तो ऑब्वियसली इंडेक्स इज गुड, टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए कि हम लोग इंडेक्स को आइडेंटिफाई करें कि वीकर इंडेक्स क्या है एंड देन वी कैन ट्रेड द स्टॉक, द मोस्ट गुड स्टॉक इन दैट इंडेक्स, देन जिसका पुल बैक भी कंप्लीट हुआ है और वो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ मूव देने के लिए रेडी है। सो कई बार आई रिमेम्बर मैं किसी एक इन्वेस्टिंग चैंपियन का वीडियो देख रहा था। वो क्या कह रहे थे कि आपको वो स्टॉक देखना चाहिए इंडेक्स में विच इज अहेड ऑफ द इंडेक्स साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मामा लेट्स से फॉर ऑटो सेक्टर इज न्यूट्रल बट हीरो हैज ऑलरेडी ऑन द अपवर्ड मूव, सो प्रोबेबली दैट इज प्रिसीडिंग इंडेक्स की तेजी। तो व्हाट इज, आपने इस चीज से को कभी देखा है क्या? तो दैट इज बीन वाइडली यूज बाई फ्यू ऑफ द ट्रेडर्स फॉर लॉन्गर टर्म पिक्स, मतलब जो टेक्नो फंडा पिक करते हैं मुझे लगता है वो लोग रेशियो चार्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, लाइक यू आर सेइंग दैट इज अ रेशियो चार्ट इन कंपैरिजन फॉर मेनी ऑफ देम, तो वो लोग रेशियो को आइडेंटिफाई करते हैं कि किसका, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात की जाती है कि लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ क्यों देख रहे हैं, तो वो लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि कौन सा स्टॉक बेटर परफॉर्म कर रहा है।
इन स्ट्रेंथ विद निफ्टी, इन स्ट्रेंथ विद देयर ओन इंडेक्स, तो जिसका ओके बीटा टेक्निकली हाई हो गया, मतलब अगर वो इंडेक्स थोड़ा अच्छा मूव करे तो ये स्टॉक ज्यादा मूव करेगा उनके लिए, तो ओके दैट इज नाइस गुड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, नॉट फॉर स्विंग सेटअप्स। हम लोग ये सेटअप ओके देख रहे हैं कि हम लोग को एक दो वीक में कुछ रिटर्न मिल जाए, ऑन अ मंथली ओके बेसिस हम लोग का कोई एक टारगेट अचीव हो जाए। एक बार बजाज फाइनेंस देखेंगे, मामा वीक है उसका, हार्दिक इज टेलिंग अस। नहीं मामा मामा ओ अभी भी वाह, ऑन, मामा बट इज इट्स ओके स्टिल अप। ओके एनीवे सो आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस इन क्वाइट डिटेल एंड वी आर ऑलमोस्ट हाफवे डन। करण, इफ यू कुड जस्ट स्विच नाउ टू द प्रॉप डेस्क, और लेट्स सी इफ लेट मी आस्क ऑल अवर व्यूअर्स, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट दिस? लेट्स नॉट गेट इन टू द इंडिविजुअल स्टॉक्स बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, बट हमारा आइडिया ये है कि वी टीच यू फिशिंग सो दैट यू कैन फिश योर सेल्फ रादर देन बीइंग टोल्ड गिवन अ फिश। सो ये सेटअप के ऊपर किसी और का कोई क्वेश्चन है सो दैट वी कैन स्टार्ट टू यूटिलाइज दिस सेटअप एंड सो मामा इज करण जस्ट जस्ट फॉर एडप्टिव मूविंग एवरेज। सो इफ यू कैन जस्ट यू नो टेक अ ब्लैंक चार्ट एंड स्टार्ट विद अ मामा सो दैट पीपल नो विच वन इज अ मामा एंड आप एक क्विक ब्लैंक चार्ट पे शुरू कर देंगे जस्ट फॉर 2 मिनट्स एंड एक्सप्लेन व्हाट इज अ मामा एंड व्हाट इज अ फार्मा एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट। श्योर 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 श्योर। पिक समथिंग। इंडिकेटर्स फिबो एंड अमा, सी दिस इज द वन आई एम यूजिंग, दैट इज व्हाई आई गाइस प्लीज मेड मेक अ दिस नोट, ग्राफ। मामा विद एलर्स, ई एच एलर्स एल ई बाय आर एस। किवान, दिस इज बाय डाउनलोड्स 1378 डाउनलोड्स, दिस इज व्हाट आई एम ओके यूजिंग। अगर ये हम लोग क्लिक करते तो वही वाला लोडर है जो मैंने किया है, ओके एंड जस्ट द डिफॉल्ट सेटिंग्स इज इफ यू कैन जस्ट जस्ट द क्लिक ऑन द डिफॉल्ट सेटिंग। सेटिंग्स, जस्ट क्लिक ऑन द सेटिंग्स सो दैट एवरीबॉडी कैन सी करंट। या सो एच एल तीन टू सेटिंग्स, एंड 0.5 एंड 0.05 या या एंड इज दिस सेटअप कैन इट बी, बिकॉज मेनी पीपल हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर इंट्राडे में करते तो हैं, इस सेटअप को इंट्राडे में भी यूज करते हैं कि स्विंग में ही यूज होता है करंट? मुझे लगता है इंट्राडे में आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने दो टाइम फ्रेम्स के साथ मैं खेल रहा हूँ, मैं लार्जर टाइम फ्रेम से मेरा व्यू बना रहा हूँ और मैं उसको स्मॉल टाइम फ्रेम में टाइम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन करने हैं, तो आई सजेस्ट ही हैज टू गो विद द आर्ली टाइम फ्रेम ऑन मामा फार्मा, दैट इज माय सजेशन। आप मामा फार्मा से 1 आवर का व्यू ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो ऑन द आर्ली द मामा हैज नाउ क्रॉस्ड ऑन द डाउन साइड, तो आर्ली इज डाउन साइड नेगेटिव। सो अगर आप मेरी सेटअप की बात करो तो मैं फिर आरएसआई पे जाऊंगा और मैं 5 मिनट पे दिखूंगा कि आरएसआई कब टॉप बनाएगा, तो तब मैं मामा फार्मा नहीं यूज करूंगा। तो मामा एंड फार्मा से मैंने बस एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ले लिया है कि ट्रेंड क्या है, जो आप शायद कोई और चीज से भी ले सकते हो, आपको मामा ही यूज करना ऐसा नहीं है। आप प्राइस स्ट्रक्चर्स ब्रेकडाउन यूज कर सकते हो, बॉस कॉच यूज कर सकते हो, एनीथिंग। अब 50 डे मूविंग एवरेज विल ऑल्सो वर्क। सो थैंक्स, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑन दिस। करण स्विचिंग गियर्स नाउ एंड आप थोड़ा प्रॉप डेस्क के बारे में बताएंगे कि प्रॉप डेस्क होती क्या है एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली। सो प्रॉप डेस्क कॉन्सेप्ट ऐसा है कि प्रोप्राइटरी डेस्क ऐसा बोला जाएगा। तो जो भी कंपनी का अगर कोई डेस्क होता है, ट्रेडिंग डेस्क, तो ट्रेडिंग डेस्क में क्या होता है कि द कंपनी हैज देयर ओन कैपिटल डिप्लॉयड और वो लोग ट्रेडर्स को हायर करते हैं अंडर देम ऑन सैलरी बेसिस, और वो ट्रेडर्स मे बी देल बी इंसेंटिवाइज इफ दे डू बेटर इन ट्रेडिंग, बट ऑब्वियसली द कंपनी टेक्स अ बेट ऑन दैट ट्रेडर ऑन ए स्किल सेट। जैसे अभी हमारा प्रॉप डेस्क है तो कंपनी वो ट्रेडर पे बैठ लेती है, उसका इंटरव्यू लेती है, अगर कोई अच्छा ट्रेडर है उसको हायर करती है टू ट्रेड ऑन देयर बिहाफ ऑन देयर कैपिटल। सो एक ट्रेडर कोई दूसरे के कैपिटल पे तब ट्रेड कर पाता है, जैसे हम लोग फॉरेक्स में बात करते हैं कि फंडेड ट्रेडर, कि आपको कोई एक कंपनी फंडिंग करता है और आप वो फंडिंग पे ट्रेड करते हो। फिर कंपनी बाकी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑब्वियसली लगाती है कि आपको बोलती है कि आपने इतनी रिस्क लेनी है, आपने ऐसा ही ट्रेड करना है, मतलब कम ट्रेडिंग करना है, ओवरनाइट लिवरेजेस इतनी कम लेनी है। तो हर एक प्रॉप डेस्क के अपने एग्जीक्यूशन और पोजीशन साइजिंग के रूल्स हो गए, और जैसे वो न्यू ट्रेडर को हायर करते थे स्लोली स्टेडीली टेक यू
अपस्केल योर पोजिशन साइजिंग। ओके, तो इसमें आपका कैन इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ चॉइस ऑफ द प्रॉप डेस्क ट्रेडर की आप लोग डिसाइड करोगे कि नहीं आपसे बैंक निफ्टी में कर सकते हो? तो हर एक ओके कंपनी के अलग अलग रूल्स है। देर आर फ्यू कंपनीज हु ओनली टेल यू टू ट्रेड इन अ पर्टिकुलर इंडेक्स। ओके इनफैक्ट इन पर्टिकुलर इंडेक्स मतलब बहुत सारी कंपनी तो ऐसे है कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो बस अपने ऑप्शन सेलिंग करनी है। ओके कुछ प्रॉप डेस्क ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, भले बाइंग करो सेलिंग करो कुछ भी करो ऑप्शंस में। ओके ओके फ्यूचर के ट्रेडिंग के लिए कुछ अलग रिस्ट्रिक्शंस होता है। ऑब्वियसली कोई भी प्रॉप डेस्क ज्वाइन करता है तो वो ऑप्शंस बाइंग के लिए ना करे, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में वैसे भी लिमिटेड कैपिटल की जरूरत है। तो ओके प्रॉप डेस्क मतलब आप किसी का कैपिटल तब यूज करना चाहिए जब आपके पास कैपिटल का लिमिटेशन है, आपका स्किल सेट अच्छा है ओके पर यू वांट टू यूटिलाइज दैट स्किल सेट ऑन अ हायर कैपिटल। सो आप एक ओके यूज्ड टू हो जाओ विद द M2M स्विंग्स, विद द क्वांटिटी साइजिंग, पोजिशन साइजिंग, रिस्क ओके सो मैनेजमेंट पार्ट, एटलीस्ट दैट हेल्प्स अ ट्रेडर टू ग्रो। बेसिकली अगर आप ऑलरेडी या डिसेंटली प्रॉफिटेबल हैं बट यू वांट टू स्केल अप, तो आपको प्रॉप डेस्क में जाना चाहिए सो दैट आपका जो स्किल सेट है उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले, प्लस ट्रू प्लस आपको लेवरेज मिलेगा आपको उसके ऊपर, राइट। ट्रू एंड ये प्रॉप डेस्क के लिए दो चीजें और, एक तो ये है कि कैसे ज्वाइन करते हैं, एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन पर्सन ही होता है कि लोग रिमोटली भी कर सकते हैं उसको? तो प्रॉप डेस्क में रिमोट ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। प्रॉप डेस्क में ओके आपको वो प्रॉप में जाके ही काम करना होता है जहां पे वो लोकेटेड है, बिकॉज एक्सचेंज रेगुलेशंस होते हैं कुछ, तो एक्सचेंज की ओके तरफ से वो कंपल्शन है आईपी एड्रेस एंड आईडी बेसिस जो वो ट्रेडिंग टर्मिनल्स मिलते हैं वो वही पीसीज पे काम करता है। ओके ओके और उसको ज्वाइन करने के लिए कोई एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करना पड़ता है? तो एक मतलब एक तो एनआईएफटी रेगुलेटरी का है और एक स्किल सेट है, या सो तो लेट्स ज्वाइन टॉक करने के अबाउट लिए तो बोथ। आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या था, तो प्रॉप आपका वो इंटरव्यू तो ले ही लेगी। बट अपार्ट फ्रॉम ओके दैट इफ यू आर सिलेक्टेड यू हैव टू पास दैट एनआईएसएम सीरीज 8 मॉड्यूल इक्विटी डेरिवेटिव्स ओके NISM सीरीज 8 मॉड, सीरीज 8 मॉड्यूल। नाइस। और आपका व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग अ पर्सन, सो व्हाट आर द स्किल सेट्स फॉर एग्जांपल योर कंपनी इज लुकिंग एट? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम लोग को किसी को हायर करना है तो हम लोग उसका परफॉर्मेंस देखते हैं कि लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, फिर वो परफॉर्मेंस को इन डेप्थ एनालाइज करते हैं कि इसको ये परफॉर्मेंस लाने के लिए कितने हर्डल्स फेस हुए। मतलब मान के चलो कोई ऑप्शन सेलर है और वो ऑप्शन सेलर ने एक 40% रिटर्न कमाए हैं, तो ये उसके लिए कम था या ज्यादा था, उसके ट्रेड्स कैसे थे, हाउ ही इज बीन ट्रेडिंग। सो वी डोंट लुक एट द नंबर्स कि उसने बहुत बड़ा प्रॉफिट करना चाहिए, तो वी लुक एट द परसेंटेज, वी लुक एट द ग्रीन M2Ms कि वो कितने दिन प्रॉफिटेबल रहा, उसका हिट रेट कैसा रहा है। ठीक है, सी देर आर बैड फेजेस इन अ ट्रेडर्स लाइफ बट हाउ ही हैज मैनेज्ड हिज रिस्क पर्सनली। ऑब्वियसली प्रॉप में आएगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे एक RMS टीम होती है जो आपका रिस्क मैनेजमेंट करती है, आपको एक पर्टिकुलर दिन पे ज्यादा लॉस होने से रुकाती है। तो ये हम लोग घर पे नहीं कर पाते ऑब्वियसली, बट देर आर फ्यू बेसिक थिंग्स जहां पे प्रॉप भी सोचता है कि आपके पास एक बेसिक स्किल सेट हो, क्योंकि मे बी इन प्रॉप डेस्क दिस पीपल विल नॉट हेल्प यू टू रिकवर योर माइंड सेट, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ इशू ये होता है कि उनके पास माइंड सेट का इशू है, वो प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वो लोग लॉस वाले ट्रेड्स में ज्यादा होल्ड कर रहे हैं पोजिशन और प्रॉफिट वाले बहुत जल्दी निकाल रहे थे, RR अच्छा नहीं है। पर फिर प्रॉप डेस्क बस आपको ये देखेगा, भले आप कम पैसा कमा रहे हो बट आप हिट रेट अच्छा है, आप रिस्क को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, देन दे विल टेक अ बेटर टर्न। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि अगर किसी को प्रॉप डेस्क ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स आफ्टर गेटिंग इनटू अ टेक्निकल एस्पेक्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट आपको अपने लॉसेस को कितनी जल्दी कट कर सकते हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ आपको डेवलप करनी पड़ेगी पहले। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसमें एक और क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि जैसे अगर आपको खुद की प्रॉप फर्म चालू करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, इफ यू कैन शेयर ब्रीफली? तो खुद की प्रॉप फर्म चालू करनी है तो यू नीड दैट हायर कैपिटल, क्योंकि आपको ट्रेडर्स को वो देना होगा, आपके अंडर जो आप ट्रेडर्स को हायर करोगे। तो वन कंडीशन इज दैट, द सेकंड कंडीशन इज यू नीड योर ओन ट्रेडिंग लाइसेंस, अगर आप ब्रोकर हो ऑलरेडी तो यू नीड दैट ट्रेडिंग लाइसेंस। और सिर्फ ट्रेडिंग लाइसेंस ही नहीं होगा, आपको मल्टीपल ट्रेडिंग लाइसेंसेस लगेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन होती है कि आपका ट्रेड आप ही के अगेंस्ट ऑफसेट ना हो जाए, क्योंकि मे बी हो सकता है प्रॉप में कोई वही
स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहा है और कोई भी सेल कर रहा है, तो वो ट्रेड एक्सचेंज में भी ना जा पाए। फिर उसके बाद आपको बहुत सारे एडवांस टूल्स और कंपनीज के साथ टाइप करना पड़ता है, जो आपको वो मल्टीपल ट्रेडिंग टर्मिनल्स बना के दे, मल्टीपल आईडीज फॉर वन सिंगल अकाउंट, देन यू नीड दैट आरएमएस सॉफ्टवेयर। सो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट बहुत लगती है एक प्रॉप चालू करने के लिए, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो पहला तो चीज है आपको कैपिटल चाहिए, ठीक है। बहुत ह्यूज दूसरी था चीज, बिल्कुल। हाँ दूसरी चीज ये कि आपने जो बोला रेगुलेटरी सेटअप, तो आपको लाइसेंस वगैरह लेने के लिए कुछ एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, तो क्या ब्रोकर रहता के है लिए उसमें? तो ब्रोकिंग टर्मिनल लाइसेंस लेना होता है, सो दैट रिक्वायर्स अगेन अ हेवी कैपिटल डिपॉजिट टू बी गिवन टू एक्सचेंज। अगर एनएससी में आपको लाइसेंस लेना है तो आई थिंक सो इट इज अराउंड 1.5 करोड़। सो इट्स नॉट अ स्मॉल, मींस स्मॉल बिजनेस, यू इट रिक्वायर कम्स टू टू हैव अ आस्किंग गुड अ सेटअप। फॉरेक्स प्रॉप इज इलीगल और नॉट। सो फॉरेक्स प्रॉप कैनॉट रन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स में ट्रेडिंग इज ओनली अलाउड कीपिंग द बेस करेंसी एज INR। तो एक और क्वेश्चन ये था कि जो आपका प्रॉप डेस्क है, इज इट ओनली फॉर इक्विटीज की कमोडिटी में भी? बिकॉज एक दो लोगों ने पूछा है कि दे वांट टू डू इट इन द आफ्टर मार्केट आवर्स, सो कमोडिटी बिकॉज इट रन्स टिल 11 o'clock, तो आपका प्रॉप डेस्क में क्या आप इनकरेज करते हैं अपने ट्रेडर्स को शाम को ट्रेड करने के लिए तो कि नहीं, दिन में हम लोग का ही? प्रॉप डेस्क भी एक इंडेक्स बेस है, तो हमारे प्रॉप में 99% पोजीशंस आर इन बैंक निफ्टी। ओनली फ्यू ट्रेडर्स आउट ऑफ 20 ट्रेडर्स डू इन निफ्टी और ऑन एक्सपायरी सम अदर इंडेक्सेस, बट दैट टू ओनली इन ऑप्शंस, सो नॉट इन स्टॉक्स और नॉट इन एनीवेयर एल्स। और सो प्रॉप में कमोडिटी वैसे में भी भी नहीं स्टॉक्स करते हैं का फिर काम आप? नहीं होता और कमोडिटीज का काम बहुत कम होता है। बट अगर कोई करना चाहे तो विल यू लुक एट दैट ऑप्शन? नहीं, बिकॉज बिकॉज फिर क्या होता है, सी देयर इज अनदर कंसर्न फॉर द प्रॉप डेस्क ओनर्स दैट दे हैव टू सेट अप द होल ऑफिस फॉर दी करेक्ट टाइम, सो रनिंग करेक्ट कॉस्ट एंड वो बहुत सारा आता है, तो इसीलिए कमोडिटीज में प्रॉप नहीं काम कर रहे। ओके ओके वेरी और नाइस कमोडिटीज में ऑलरेडी द प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी लिवरेज्ड, यू नो फ्यूचर्स ओके अवेलेबल है, तो वो अपने ही कैपिटल में हो जाता है। श्योर। आई एम जस्ट स्कैनिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। इज देयर देयर इज सम इंटरेस्ट ऑफ द करंट ग्रुप इन गेटिंग डीपर इनटू प्रॉप डेस्क? कैसे ज्वाइन करना है? तो व्हाट वुड बी अ गुड वे टू कनेक्ट विद योर टीम इन केस समबडी इज इंटरेस्टेड करंट? So I'll drop you contact detail in my office a person. So maybe you can float that contact details in your group later ठीक है on. ठीक है So those who are interested can share their resume or PNLs with that concerned guy who will appoint them. करण, नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट इज सेबी आरए का जो है। गाइस, वी आर नॉट लुकिंग एट एनी इंट्राडे स्कैल्पिंग, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेशन। सो लाइक वी आर फोकसिंग ऑन द अ सेटअप विच वॉज रिलेटेड टू स्विंग एंड टूवर्ड्स टेक्निकल, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेबी रजिस्टर्ड आरए सेट। सो लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन ऑन दैट साइड। सो बिकॉज मेनी पीपल हैव आस्ट अबाउट दिस कि सेबी का आरए अगर बनना है तो क्या करें, सो इफ यू कुड जस्ट वॉक अस थ्रू, बिकॉज आपने रिसेंटली उस चीज को थैंक यू। राइट, किया है, राइट? सो रिसर्च एनालिस्ट होने के लिए यू नीड अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन फाइनेंस फील्ड, नॉन फाइनेंस फील्ड भी डिग्रीज अलाउड है, ग्रेजुएशन डिग्रीज। देन यू नीड टू गिव अ 5 ईयर सर्टिफिकेशन दैट यू हैव वर्क इन फाइनेंस फील्ड विद अ ब्रोकर और समवन विद अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, तो वो कंडीशन एड अप हो जाता है अगर आप नॉन फाइनेंशियल फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू जस्ट नीड टू गिव एन ISM एग्जाम विच इज कॉल्ड एज रिसर्च एनालिस्ट मॉड्यूल 15। वो देने के बाद यू नीड द अदर फॉर्मेलिटीज लाइक KYC कंप्लायंस, आपका नेटवर्क सर्टिफिकेट, एंड देन विद द पेमेंट ऑफ जस्ट 15K वी कैन गेट एन इंडिविजुअल लाइसेंस एंड 1K पेमेंट विल गिव यू अ कॉर्पोरेट लाइसेंस अगर आपने कंपनी फॉर्म की होगी तो। तो इंडिविजुअल लाइसेंस इज मोर एक्सपेंसिव देन कॉर्पोरेट नहीं, लाइसेंस? इंडिविजुअल लाइसेंस इज 15,000 एंड कॉर्पोरेट लाइसेंस इज 1 लाख। 1 lakh, मेरे को वन वन लाख के सुनाई पड़ा। नहीं नहीं वन लाख वन ठीक लाख है और तो आप इंडिविजुअल और कंपनी में क्या डिफरेंस है और क्या एडवांटेज है करण जी? तो कंपनी में इफ यू आर 2-3 पीपल्स वर्किंग टुगेदर एज अ रिसर्च एनालिस्ट यू कैन टेक अ कॉर्पोरेट लाइसेंस, तो फिर आप सब लोगों को एक सिंगल ब्रांड क्रिएट करता है फॉर ऑल ऑफ यू।
ओके इफ यू आर इंडिविजुअली गिविंग सम रिकमेंडेशंस टू पीपल, अ इंडिविजुअल लाइसेंस इज ओके मोर देन सफिशिएंट। और इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी कुछ रहते होंगे राइट, कि तो व्हाट सॉर्ट ऑफ बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन. कंप्लायंस बहुत सारा हैवी है, ओके तो यू हैव टू गेट योर इंटरनल ऑडिट्स डन, आपको अपलोड करने हैं आपके सब्सक्राइबर्स एंड कितना आप एसेट्स मैनेजमेंट करते हो अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो तो। सो आई एम ओके इनटू अ रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैव टू गिव देयर एसेट्स मैनेजमेंट ऑल्सो डिटेल्स, तो मुझे सब्सक्राइबर की करण, डिटेल देनी पड़ती है। आप इसको स्क्रीन को मिनिमाइज करके आपका ऑफिस का सेटअप के साथ में हम देख लेंगे, बहुत बढ़िया आ रहा है बैकग्राउंड आपका. अच्छा, आई विल स्टॉप द शेयरिंग। या श्योर. सो यू वर सो टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल लाइसेंस, प्लीज गो अहेड. इंडिविजुअल लाइसेंस, सो इंडिविजुअल लाइसेंसेस में तो ये सब हो जाएगा, और बेसिकली आपको कंप्लायंसेस में क्या और क्या क्या करना है कि आपको ऑडिट्स करने हैं, सेबी को क्वार्टरली अपडेट्स देने हैं आपके ऑफिस के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो फ्रंट रनिंग हम लोग सुन रहे हैं, तो फ्रंट रनिंग अवॉइड करने के लिए इन्होंने कंडीशंस डाली है कि जो आरए है अगर वो कोई रिकमेंडेशन दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कल को SBI रिकमेंड करूँ, तो मैंने 30 days बिफोर SBI नहीं लेना चाहिए रिकमेंडेशन ओके भी, ओके एंड 5 days लेटर, तो मेरे लिए वो 35 days का एक विंडो है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मुझे SBI देना है तो मुझे रिकमेंड करने के बाद 6th day उसको बाय करना होगा, ओके या रादर उल्टा करना होगा कि मैंने बाय करना है और 31th day पे बाय देना है। ओके और सेल का भी कुछ है कि जैसे आपने जैसे. मैं पहले हाँ सेल नहीं कर सकता हूँ, वापस वो कंडीशन आ जाएगा कि फिर मैं डम कंडीशन में फंस सकता हूँ। करेक्ट, तो उसमें कितना सेल का क्या विंडो है, जैसे आपने तो लेट सेल में से. विंडो नहीं दिया है, सेल में विंडो ओके नहीं है कोई, बाइंग में ओके विंडो ओके दिया है कि मुझे फ्रंट रनिंग बस नहीं करना है। सेल में देयर इज नो विंडो, बट ऑब्वियसली इफ समवन कंप्लेन्स दे विल ओके ओके कंपेयर कि मैंने क्या किया है। मतलब अगर आपने 2 महीने पहले लिया और उसके बाद में आपने दिया रिकमेंडेशन दिया, तो दैट इज तो फाइन, आई दो. जस्ट हैव टू डिस्क्लोज कि आई एम ऑलरेडी और ओके इन्वेस्टर, बायस है सो मेरा। ओके सो ये आपने जो अभी आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, आपने उसको फिनोलेस के नाम से है राइट. फिनोलेस के नाम से है। तो ओके फिनोलेस का क्या मतलब है, मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. मैंने जैसे बोला था कि मैं जैसे फंसते गया स्टॉक्स में, और जैसा मेरा नेचर रहा है, तो मुझे हमेशा लगा है कि फाइनेंशियल फील्ड ना बहुत ऐसा एड्रेनल रश वाला है, जहां पे ओके थोड़ा माइंडसेट ऐसा है कि आज पैसे कल बने परसों बने, बहुत फटाफट बने। तो आई वॉज समवन कि मुझे ऐसा चाहिए था कि पीसफुली पैसा बने, जो ओके शायद ऐसा थोड़ा मुश्किल लग रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि मैं जब एडवाइजरी सर्विसेज भी चालू करूं तो मेरा इंटेंशन ये रहे कि जो फॉलोअर्स है सब्सक्राइबर्स है उन लोगों का भी पैसा थोड़ा पीसफुली बने, मतलब स्टॉप ओके लॉसेस कम हो, थोड़ा स्विंग के साथ करें, ऐसा ओके एड्रेनल रश ना हो। तो मैंने वर्ड फाइनेंशियल सोलेस को कंबाइन करके फिनोलेस फाइनेंशियल प्लस सोलेस. सोलेस। ओके आपका कोई वेबसाइट या कुछ है जहां पे वी कैन लुक एट मोर डिटेल्स तो माय अबाउट. वेबसाइट विल गेट लाइव इन नेक्स्ट 5-6 days, टिल द टाइम यू पीपल कैन फॉलो ऑन मी ऑन इंस्टाग्राम बाय नेम फिनोलेस, वहीं पे आपको मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल भी शायद मिल जाएगा। और इसमें क्या अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं आपके फिनोलेस में. फिनोलेस में मैंने क्या किया, जैसे नीड अलग अलग है इन्वेस्टर्स की, तो मैंने 3 products को क्राफ्ट किया। एक प्रोडक्ट मैंने मोमेंटम वाला बनाया है, जैसे मैंने अभी ये स्विंग ट्रेड्स बताया, तो ये टाइप ऑफ ट्रेड्स मैं वहां पे शेयर करता हूँ। मोमेंटम ग्रुप है उसका नाम, मोमेंटम मास्टर्स। फिर मैंने एक इंडेक्स ऑप्शंस का ग्रुप बनाया जहां पे लोगों को इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो इंडेक्स का ग्रुप का वेलोसिटी वेस्टा नाम रखा है, जो डेली बैंक निफ्टी के मैं रिकमेंडेशन वहां पे शेयर करता हूँ। और एक मैंने लॉन्ग टर्म वाला ग्रुप बनाया है थर्ड, जहां पे लोगों को ये दोनों चीजें नहीं करनी है, मल्टी बागर्स चाहिए, तो उनके लिए प्रॉस्पैरिटी पाइनर्स करके थर्ड ग्रुप बनाया है। ओके सो 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग रिस्क एपेटाइट और अलग अलग टाइम अलग फ्रेम अलग के. कैपिटल साइजिंग है। यस यस द नेम इज राइट फिनोलिस। इज दिस द करेक्ट टेलीग्राम लिंक, थिंग. या ओके. तो इसमें जो 3 सेटअप, 3 अलग अलग आपके प्रोडक्ट्स हैं उसमें. सो नाउ कमिंग बैक टू द आरए थिंग, इसमें जब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं आपके ऊपर, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस सेबी आरए थिंग एक्चुअली. मैंने जैसे बोला ना कि मैं खुद तो कर ही रहा हूँ, एंड आई एम इनटू मोर लाइक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नाउ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई फील गुड व्हेन आई गाइड पीपल। जो मिस गाइडेंस मुझे मिला था एज अ फ्रेंड और कलीग टू समवन, आई फील कि वो किसी को ना मिले,
एंड देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल्स आउट देयर की जो शायद इथिकली सजेशंस नहीं दे रहे हैं, सो आई फील गुड इनफ टू गिव सजेशंस टू पीपल, और राइटफुल सजेशंस जाए लोगों का थोड़ा जर्नी, ये फाइनेंशियल जर्नी पीसफुल हो, तो सो दैट इज वाई आई क्रिएटेड दिस. अभी आपका कितना टाइम स्प्लिट रहता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस में, तो चार्टर्ड फिनोवेस अकाउंटेंसी में? प्रैक्टिस इज नाउ 5% ऑफ माय प्रोफेशन एंड 95% इज दिस. सो सो रिसेंटली आई हैव दैट सरेंडर्ड माय सीओपी आल्सो, बिकॉज़ दैट ओके वाज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम सीबी दैट आई शुड नॉट बी एम्प्लॉयड एल्सवेयर, आई शुड नॉट डू द अदर वर्क्स. तो ओके जो तो ओल्ड अब क्लाइंट्स आप हैं उनको भी मैं बस प्रोफेशनल ग्रीड करके गाइडेंस दे रहा हूं. आई हैव अपॉइंटेड अ न्यू सीए अंडर मी हु इज लुकिंग आफ्टर माय ऑफिस नाउ, सी ऑफिस. सो बेसिकली यू आर अ एडवाइजर टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अ वे. ओके. और तीसरा, इसमें जैसे आपने तीन प्रोडक्ट्स का बात किया, सो जिस मोमेंटम में दे माइट बी, यू माइट आल्सो बी लुकिंग एट इंट्राडे ऑप्शंस, राइट? यस तो उसमें तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, मतलब इफ यू वांट टू यू कैन नॉट डू, ऑब्वियसली, बिकॉज इंट्राडे में आपको मैंने जैसे बताया 30 डेज और 5 डेज वाला विंडो, इंट्राडे में तो राइट? ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ वो 2 मिनट में भाग रहा है, करेक्ट तो करेक्ट दैट इज व्हाट सेबी सेइंग मे बी दैट यू पीपल शुड नॉट ट्रेड, दे आर टेलिंग अस दैट आप एडवाइजरी फीस ले लो मे बी बट डोंट ट्रेड एंड गिव तो अप्रोप्रिएट सजेशंस. इसमें जस्ट गेटिंग इनटू इट, फॉर एग्जांपल लेट्स से बैंक निफ्टी अभी बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा था, आपने 52,000 का कॉल का स्ट्रेट दिया, दिया आई डोंट ट्रेड इन दैट. तो टेक्निकली आप 52,200 का भी कॉल नहीं ले सकते. नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं ट्रेड. ओके, गुड गुड. सो वी आर कमिंग टू द क्यू एन ए थिंग, ऑल्दो वी डिड क्यू एन ए इन बिटवीन, या बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल गाइज हु ऑलरेडी नो मी, हाउ इज दिस या मोमेंट्स गुड सम आर पार्ट ऑफ माय ग्रुप आल्सो. या सो गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. करंट यू विल हैव टू अनम्यूट पीपल इफ यू सी एनीबडी रेजिंग देयर हैंड, बट मीन वाइल आई जस्ट स्क्रोल थ्रू इन केस आई हैव मिस्ड एनी क्वेश्चन, मैं देख लेता हूँ. गाइज प्लीज रेज योर हैंड एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. हाँ, देयर इज वन क्वेश्चन अबाउट सेंटिमेंट एनालिसिस. आर यू, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? आर यू लुकिंग एट सेंटिमेंट एनालिसिस? No, I'm not doing sentiment analysis as of now. ओके The other factors, I'm looking a lot of other factors as of now. सो बेसिकली यू आर लुकिंग एट सेंटिमेंट्स, हाउ दे आर रिफ्लेक्टेड ऑन चार्ट्स इंडिकेटर Charts के only. थ्रू. ओके ओके फॉरेक्स प्रॉप टेक्स वी हैव ऑलरेडी डन. Somebody is asking, do we have to their own strategy in detail with the prop desk people, or you are looking कि आप सिर्फ उनका आउटकम देख रहे हो? नो हम लोग कोई स्ट्रैटेजी प्रोवाइड नहीं करे, वी आर जस्ट हायरिंग ट्रेडर्स विद देयर ओन स्किल सेट, जो अच्छे स्ट्रैटेजी उन्हीं के पास है, तो वी आर नॉट आस्किंग देम देयर स्ट्रैटेजीज. अगर उनके पास वो प्रॉफिटेबल कोई स्ट्रैटेजी है जिसपे वो अच्छे से काम कर रहे थे, बस हम लोग उनको स्केल अप करने के लिए हेल्प कर रहे हैं. तो बेसिकली यू आर लुकिंग एट द आउटकम, नॉट एट द, आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंड नहीं अंडरस्टैंडिंग करना की है, कोई जरूरत नहीं है. नहीं, बट यू वांट समबडी हु कैन, जो अभी 5 लाख पे अच्छे से ट्रेड कर रहा है, एंड यू कैन गिव देम 5x टू और मोर यस लेवरेज. अगर मोर किसी को लिवरेज अपना स्केल अप करना है तो उसके लिए प्रॉप डेस्क आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? ट्रू. एंड पीपल आर आस्किंग अबाउट द डिफरेंट ग्रुप्स. गाइज देर इज अ टेलीग्राम ग्रुप विच हैज बीन शेयर्ड. लाइक दिस ग्रुप इज अ नॉन कमर्शियल ग्रुप, वी डू नॉट सजेस्ट और रिकमेंड एनीथिंग. यू कैन टॉक टू करण डायरेक्टली ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. एंड गाइज डोंट वरी, दिस हैज बीन रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग बटन इज ऑन, यू कैन यस सी ऑन द टॉप राइट. आई शेयर द एंड रिकॉर्डिंग लिंक. करण विल शेयर द रिकॉर्डिंग एंड देन इट विल बी अपलोडेड ऑन द FTU YouTube चैनल. So there is question about, is there any resource or recommendation for becoming good as an intraday trader? I'll suggest the best way to become a good trader, maybe intraday or swing trader, is there is a lack of trading plan or trade system with everyone. That's what I feel. किसी के पास एक प्रॉपर एंट्री एग्जिट मतलब रिटर्न प्लान नहीं है किसी के पास, मतलब बहुत मुझे मतलब हार्श लगता है बोलने के लिए, बट सब लोगों को ना ट्रेडिंग करते टाइम लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, सो पीपल डोंट ट्रेड व्हाट दे सी, दे ट्रेड व्हाट दे बिलीव कि प्राइस क्या करेगा.
सो आई सजेस्ट एवरी वन फॉलो वेरी सिंपल सेटअप, उसको लिख लो, हैव अ रिटन सेटअप कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी थी, क्यों लेनी थी, क्या पोजिशनाइजिंग चाहिए थी, मतलब ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। अब चैट जीपीटी को पूछ लो कि एक ट्रेड सिस्टम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास होने चाहिए। देखिए And obviously, there is a lot of love for Vijay Thackeray also here. Yes, And people already you know should. me because of him. So, how does it like Vijay Thackeray is intraday star, and you are doing and you are doing only other than intraday. So it's a good combination of short term What and the long. Indian teams need. Indian teams need a Sehwag and the other partner at the non-striking Dravid, end. yeah. So I have to get Vijay also. Last time I spoke to him, he was traveling, Right, but he right, right. said once he is back, then maybe He'll do sometime it in the month. definitely. I'll also talk with him for you all guys. Huh? Yeah. So maybe Definitely. sometime in July we will do that, guys. If you Definitely. don't have any question, yeah. So if you don't have any question, we will wrap it up now. Thanks a lot, Karan, for joining us. It's been excellent discussion with you all, Thank and we you. wish you the very best for all your entrepreneurial ventures, including your advisory, Finolex. Thanks a lot. Have a good day ahead. Yes. Thank you. Thank you so much. It was a Bye. wonderful. Yeah.